उसके बारे में चिंतन न किए तो ऊपर ऊपर ही लगेगा बस। जिस प्रकार सागर के गहराई में अनंत रत्न है, आज भी जब सागर की जब गहराई में जाकर ढूंढते अनंत रत्न मिलते हैं, शायद सागर की गहराइयों का कोई पार पाले, शायद सागर के रत्न कभी खत्म हो जाए, लेकिन मेरी माताओं मेरे भाइयों, ये भागवत तो ऐसा शास्त्र है, ऐसा समंदर है जिसके ना कोई गहराई नाप सकता है न इसमें से रत्न कभी खत्म हो सकते। जितने डिप में जाओगे, जितनी गहराई में नई नई बातें, नई नई बातें, नए नए सूत्र, नए नए एकदम, ऐसा ये साहित्य है, ऐसा ये शास्त्र है कि इसका अंत ही नहीं है। नेति नेति कह वेद पुकारे, इसका अंत ही नहीं है। यदि कोई नमक की पुतली चाहे कि मैं समंदर की गहराई का पता कर लूं और नमक की पुतली समंदर में जाए तो खुद घुल जाएगी लेकिन समंदर का पता नहीं लगा पाएगी, उसी प्रकार आपकी और हमारी बुद्धि, हम कभी शास्त्र की गहराई में जाए तो हम ही उसमें विलीन हो जाएंगे लेकिन इसका कोई पार नहीं पा सकता। आपुरम है क्या चीज? सुखदेव जी जैसे महापुरुष, वेदांत के परम ज्ञाता, अद्वैत द्वैत अद्वैत के इसमें स्थिर, ध्यान की उच्च अवस्था में स्थित महापुरुष, वो भी जब इस भागवत शास्त्र के श्लोकों को सुनते हैं तो वो भी इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और स्वयं इस भागवत ग्रंथ का प्रचार करते हैं। सच में हम जितने इन ग्रंथों को सुनेंगे, हम जितने इन कथाओं को सुनेंगे ईमानदारी से, शांत चित्त से, तो ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे रहस्य आपको मिलेंगे कि आप भी सोचोगे कि ये तो मुझे आज तक पता ही नहीं था। हम भी जब अब कभी भी पढ़ते तो कुछ कुछ बातें ऐसी, अरे इस तरह तो अपना ध्यान ही नहीं गया, अरे ये बातें तो अपने आज तक पढ़ी बोली नहीं, अरे ये बात तो अपने आज तक पता